हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आपका माइनस वाला बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैंने पहले ये हिंदी ग्रामर के लिए है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने खूब डाले हैं एमसीक्यू टाइप, और मेरे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि एमसीक्यू के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साइंस के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हैं और मैंने, और जीके के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हैं। तो गाइस ये जो फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो मेरा हिंदी व्याकरण के लिए। तो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पॉपअप हो रही होगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी माहिंदू ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो आप वहां पे जाइए और उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वहां पे हम सबसे पहले डालते हैं, और वहां पे अभी आप हमको डीएम करके बोल सकते हो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस आज अपना टॉपिक है हिंदी का संज्ञा के लिए, जो सबसे मेन पॉइंट आता है संज्ञा व्याकरण में। जब स्टार्ट करते हैं वर्ण के बाद में, वर्ण तो मेरे हिसाब से लगभग सबको पता होगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको वर्ण क्लियर नहीं है तो मैं आपको वर्ण भी क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात आती है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर आदि के गुण दोष भाव को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर आदि के जो भी गुण है, उनके भाव, उनके दोष, उनके नाम आदि को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जिस नाम से इन सभी का बोध हो उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मुख्यतः जो होती है वो होती है तीन प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या स्थान का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कि जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु, किसी वस्तु का नाम या फिर उसके किसी स्थान का नाम, जैसे जयपुर, जैसे कोई भी मान लो जयपुर भारत, कुछ भी मान लो, किसी देश का नाम, किसी नदी का नाम, किसी सागर का नाम, किसी पहाड़ का नाम, नाम होना चाहिए, जैसे हिमालय, गंगा नदी और इंडिया, देश का नाम हो सकता है, किसी का भी, किसी का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी, राम, श्याम, कोई भी हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए उस जगह का, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, जैसे कार, बाइक वगैरह कुछ भी हो, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। तो वो सब किसमें आ जाते हैं, वो सारे उदाहरण किसमें आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। तो जो सेकंड बात करते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें बस इतना है कि कोई पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, जैसे ये राम का उत्तर दिशा के पहले, अगर दिशा है, दिशा का नाम आए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो वहां पे भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारत किस देश का नाम आए तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गंगा किसी नदी का नाम, वेद, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि कोई भी आए तो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर महीने का, मंथ का नेम आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इन सब के पहले, इन सब के आते क्या लग जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपसे पूछे, अगर ये बीच में नाम दे दे या और आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप जवाब होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड जो आती है वो आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सेकंड जो है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा। तो अब बात आती है जाति, तो नाम से पता चल रहा है जातिवाचक। जो शब्द किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर वस्तु या फिर स्थान आदि की जाति के बारे में बताए, जाति से मतलब कि वो लड़का है, वह लड़की है, वह वस्तु है, क्या है, पहाड़ है, नदी है, पर उसका नाम नहीं है, कोई नाम नहीं होना चाहिए, वो देश है, वो शहर है, वह लड़का है, वह आदमी है, वह पुरुष है, वह स्त्री है, मतलब उसकी जाति का पता चल रहा है कि उसकी जाति क्या है, वो क्या है, पर उसका नाम नहीं है अपने पास में, पर्टिकुलर नेम नहीं है। जिस जहां पे पर्टिकुलर नेम आ गया तो वहां पे चली जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां पे उसका नाम नहीं है उसके बारे में पता है कि ये है क्या, पहाड़ है, नदी है, देश है, कोई जगह है, उसका नाम नहीं पता, तो उसके लिए क्या आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति का बोध हो तो वो क्या आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा में। तो आप समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, जैसे लड़का, वस्तु, पहाड़, ये सब क्या आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि वह लड़का है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो थर्ड पे जब देखते हैं
वो है भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिनसे गुण रंग भाव आदि का बोध होता है, तो वो वही क्या होती है भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव से आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इतनी ज्यादा कोई ज्यादा बात नहीं है कोई समझने वाली कि इसमें भी नाम से पता चल रहा है, इसमें भी नाम से पता चल रहा है, इसमें भी नाम से पता चल रहा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भी, जैसा कि किसी का रंग के बारे में बताएं, किसी के भाव मतलब गुण है दोष आदि के बारे में अगर अपन बताते हैं, जिन शब्दों से इन बातों का पता चलता है वही कि इसमें आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में, जैसे बुढ़ापा, बचपन, रोना, हंसना आदि, ये सब किसमें आ जाते हैं, आजादी, ये सब किसमें आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। वह लड़का रो रहा है, वह लड़का रो रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसमें दो संज्ञा आ गई, कौन कौन सी, एक तो जातिवाचक, लड़का रो रहा है, लड़का, लड़का में क्या आ गई जाति, और रो रहा है रोना, रोना क्या हो गया भाव हो गया, तो इसमें कौन सी संज्ञा आ गई दो संज्ञा। तो ये तो तीन मुख्य संज्ञा जो लगभग पढ़ते ही इस संज्ञा, ये जो संज्ञा है ये लगभग फोर्थ क्लास से लगभग स्टार्ट हो जाती है और इलेवन ट्वेल्थ क्लास तक लगभग चलती चलती है, तो सबके लिए ये सब पढ़ सकते हैं इसको, सबके सेम टॉपिक चलता है, तो कोई वो नहीं है कि एक स्पेशल टॉपिक हो किसी के लिए, तो वो कोई नहीं है। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कुछ अलग, थोड़ा सा अलग हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होती है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो जो नेक्स्ट आती है वो आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताता हूं मैं। तो गाइज ये जो फोर्थ नंबर की आती है वो आती है समूहवाचक संज्ञा। तो गाइज ये जो दोनों संज्ञाएं हैं, एक तो ये और ये, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये संज्ञाएं सभी के नहीं होती है, जैसे कि नाइन्थ टेंथ क्लास में जाके या फिर एट्थ क्लास में जाके, सेवंथ एट्थ क्लास में जाके ये आती है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, बाकी तीनों है वो तो स्टार्टिंग से सबके चलती चलती है। तो गाइस तो साथ साथ में इनको भी देख लेते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें तो फिर इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी समूह का बोध हो, समूह मतलब एक इकट्ठा चीजों का, एक इकट्ठे वस्तुओं का बोध हो, तो वही जिन संज्ञा शब्दों से इकट्ठी वस्तुओं का बोध हो या किसी समूह का बोध हो क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि जनता, भीड़, गुच्छा, मंडल, सभा आदि, कोई भी बंडल हो, चाहे भी कुछ भी मान लो, किसी समूह में होना चाहिए, दस दस चीजों का समूह है या फिर दो तीन चीजों का समूह है, तो उन सब के लिए कौन सा संज्ञा शब्द यूज होता है, जो संज्ञा शब्द यूज होता है वो संज्ञा शब्द कौन सा कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे आप समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो लास्ट में आती है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत होना कि द्रव्यवाचक, द्रव्य में सिर्फ द्रव्य नहीं आएंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है अभी आपको मैं बता क्लियर कर देता हूं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी नापतोल की वस्तुओं का बोध हो, या अगर दूसरे शब्दों में अपन कहें कि किसी भी धातु रूपी या फिर किसी वस्तु का जिसका नापतोल किया जा सकता है, उन शब्दों उनका बोध हो जिन शब्दों से, तो वो क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं। थोड़ा लाइटिंग का मेरे हिसाब से इश्यू हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इश्यू चल रहा है, थोड़ा दिन में एक दो वीडियो के बाद में वो भी क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो उसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, चावल, दूध आदि, तो ये सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो गाइस यहां तक अपनी थी संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा अपनी है वो कंप्लीट होती है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, हिंदी व्याकरण के कौन से टॉपिक पे चाहिए। अब मैं रेगुलरली वीडियो इस चैनल पे डालता रहूंगा, वो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अपना सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पे आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी दोनों शो हो रही होगी, तो जाके दोनों को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपको जो बच्चे नवोदय के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेपर सेट है वो भी अवेलेबल है, जो कि कुछ मनी है वो आपको होगी। और उसके लिए जो मेल आईडी है वो है devilmix6494@gmail.com, उस पर आप मेल कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डीएम कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो हम आपको डिलीवर करा देंगे, विद डिलीवरी चार्ज लगेंगे आपके, तो वो आपको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे, वो भी एकदम लो प्राइस के ऊपर।
तो गाइज अगर आपको चाहिए तो हमें डीएम कर सकते हैं, जो कि नाइन्थ क्लास या फिर सेवन्थ क्लास के लिए जो नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम पेपर सेट तैयार करते हैं, उनके लिए भी वीडियो है वो इस चैनल पे डालते हैं। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नवोदय के बच्चों के लिए, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब टू माइंड वाला, एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माइंड वाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।